नमस्ते, मैं उष्मा टंडेल आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का यह खास सेशन हिप्नोटिक बेड टाइम कहानी है, जो सभी उम्र के एडल्ट्स के लिए है। आज की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो आपको प्रकृति में बिताए क्षणों के माध्यम से आपके तनाव और चिंता को दूर कर देगा और आप एक गहरी मीठी नींद में सो जाएंगे। समय हो गया है कि आप इस दिन के सारे शोर गुल को छोड़कर एक लंबी गहरी नींद में प्रवेश करने का समय आ गया है। इस कहानी को सुनते समय अपने मन को आजाद कर दें और अपने शरीर को रिलैक्स कर दें, क्योंकि आपका मन इस सुखदायक रिलैक्सिंग यात्रा की ओर एक गहरी ताजगी भरी नींद में यात्रा करने जा रहा है। अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाएं, अपनी आंखें बंद करें और इस कहानी को शुरू करने से पहले आप 3 गहरी सांसें ले सकते हैं। बहुत पुराने समय की एक बात है, दूर देश में एक प्यारी सी छोटी सी हसमुख कन्या रहती थी, जो जिज्ञासा और प्रसन्नता से परिपूर्ण थी। उसे बस आस पास टहलना और घूमना पसंद था। ज्यादातर समय वह अपने पास के एक समुद्र तट पर बिताती थी। लहरों के संग वह उछलती कूदती मुस्कुराती और हंसती रहती और फिर शाम होते ही वह बैठ जाती और सूरज को चुपचाप अपनी नींद में ढलते हुए देखती। एक दिन इस छोटी बच्ची को एक बास्केट दी गई, एक ऐसा बास्केट जिसमें कई सारे पॉकेट्स और कंपार्टमेंट्स हैं। वैसे वह काफी बड़ा था, इसलिए वह जो चाहे वो इसमें डाल सकती थी। उसमें छोटे छोटे सीक्रेट पॉकेट्स भी थे, जिनके बारे में केवल वही जानती थी, जिसके कारण वह और भी उत्साहित हो गई। इतनी खुश कि उसने अपना अभियान तुरंत ही शुरू कर दिया। हर दिन वह सुबह उठती इतनी उत्साहित
क्योंकि उसके पास इकट्ठा करने के लिए बहुत सी चीजें थी। इसलिए हर दिन वह बस अपना बास्केट उठाती और अपनी पसंद का सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती। वह उन्हें बड़े खुले सेक्शन में सावधानी से रखती ताकि वे हमेशा उसकी आंखों के सामने रहें। उसे उसमें खुशी और संतुष्टि मिलती थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना सामान इकट्ठा किया है। कुछ और के लिए हमेशा जगह रहती थी। और इस बास्केट की सबसे खास बात यह है कि यह कभी भारी नहीं होती। तो एक सुबह जब वह जंगल में टहल रही थी तो उसे कुछ मिला। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। इस वस्तु को छूकर उसे खुशी महसूस नहीं हुई जो उसे अपने बास्केट में अन्य सभी सामान के साथ हुआ था। लेकिन फिर भी उसने उसे रखने का मन कर दिया और क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह अन्य वस्तुओं के साथ मिश्रित हो, इसीलिए उसने इस बास्केट के एक अलग पॉकेट में उसे रख दिया। एक ऐसे पॉकेट में जहां ज्यादा देखने की जरूरत नहीं थी। और इस तरह वह अन्य कई सामान इकट्ठा करती रही। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती गई वह हर जगह अपना बास्केट लेकर जाती थी और वह अभी भी समुद्र तट पर चलती, जंगल में टहलती और अपना सामान इकट्ठा करना पसंद करती थी। वह अच्छे सामान को खुले सेक्शन में रखती थी ताकि जब भी वह अपनी बास्केट में देखे तो वह उसे देख सके। और साथ ही वह ऐसे भी सामान इकट्ठा करती रही जिससे वह अच्छी वस्तुओं की तरह खुश नहीं हुई, लेकिन उसने फिर भी उन्हें एकत्र किया। उसने उन वस्तुओं को भी एकत्र किया जो उसे दुखी करती थी और ऐसे वस्तुओं को भी इकट्ठा किया जिससे उसे बुरा लगा हो। वह नहीं जानती थी कि उसने यह सामान क्यों रखा है। वह वास्तव में इन चीजों को नहीं रखना चाहती थी जिससे वह दुखी और बुरा महसूस कर रही थी। इसलिए उसने इस दुखद और बुरी चीजों को अलग अलग पॉकेट्स में डाल दिया। वह सामान
जो उसे उदास करता था, उसे चिंतित करता था, उसे अंदर की एक जेब में डाल दिया। उसने वास्तव में उसे दुखी करने वाले सामान को एक जिपर्ड पॉकेट में डाल दिया, ताकि वह सामान को तब तक ना देख सके जब तक कि उसने जिप नहीं खोली और अंदर नहीं देखा। और उसने देखा कि अच्छे सामान ने कभी भी उसके बैग को भारी महसूस नहीं कराया, लेकिन उदास या खराब सामान के हर टुकड़े ने उसके बास्केट को भारी और भारी बना दिया। दिन और साल बीतते गए, बच्ची एक युवती में बदल गई। वह अभी भी अपना बास्केट अपने साथ अपने स्कूल ले जाती है। स्कूल में उसे इकट्ठा करने और अपनी बास्केट में डालने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें मिली, और उसे कुछ सामान ऐसे भी मिले जो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसे जो कुछ भी मिला उसे इकट्ठा करने की उसे इतनी आदत थी कि उसने वह सभी सामान रख लिए, भले ही उस सामान ने उसे दुखी या बुरा महसूस कराया हो। इसलिए उसने इन वस्तुओं को और गहरे सेक्शन में रखना जारी रखा, जहां उन्हें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े और उनके बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन इन वस्तुओं ने उसके बास्केट को भारी और वजनदार बना दिया। हर गुजरते साल के साथ बास्केट भारी और भारी होती गई, जब तक कि वह एक समझदार अडल्ट महिला नहीं बन गई। वह अब भी जहां भी जाती है अपना बास्केट अपने साथ ही रखती है, और उसने अच्छी चीजें और सामान इकट्ठा किया जिससे उसे खुशी मिलती है। उन वस्तुओं को देखकर उसे उस छोटी सी लड़की की तरह महसूस करती जो खेलती रहती और खुश रहती। उन वस्तुओं को छूने से उसे वही आनंद और सुकून महसूस होता। उसने वह सामान इकट्ठा करना भी जारी रखा जो इतने अच्छे नहीं थे, और क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह उसे दुखी या बुरा महसूस करे, वह उन्हें बास्केट के एक कोने के पॉकेट में डाला करती, जिसके कारण उसका बास्केट भारी होने लगा था।
बास्केट अब इतना भारी हो गया था कि उसे उठाना भी मुश्किल हो गया। अब वह बोझ उसे अपने दिल और दिमाग पर भी महसूस होने लगा था। वह जानती है कि यह बोझ उन अनचाहे वस्तुओं के कारण है जो उसने इतने वर्षों से इकट्ठा किया है, पर उसे याद नहीं कि वह चीजें क्या है, क्योंकि उसने उन्हें बास्केट में एक ऐसी जगह पर छुपा के रखा है जो आसानी से दिखाई ना दे। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका बास्केट इतनी भारी हो गई है कि उसे लेकर घूमना नामुमकिन हो गया है। उसने महसूस किया कि वह इसे अब और नहीं ले जा सकती। वह अब भी अपने बास्केट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उससे अब उसे वह खुशी नहीं मिलती जो पहले मिला करती थी। उसे उठाने में अब उतना मजा नहीं आता है क्योंकि अब वह काफी भारी हो गया है। वह सो भी नहीं सकती थी क्योंकि बिस्तर में भी उसकी बाहों में बास्केट हमेशा उसके साथ रहती और यह उसके दिल और दिमाग पर इतना भारी पड़ने लगता है। वह उन कामों को नहीं कर सकती थी जिन्हें वह पसंद करती थी क्योंकि वह अब बहुत थक चुकी थी और उसके शरीर में चोट लगी थी। उसका मन आहत हुआ है और उसका दिल दुखी है। इसलिए उसने फैसला किया कि बास्केट को साफ करने का समय आ गया है। उसे पता नहीं था कि अंदर से उसे क्या मिलेगा क्योंकि उसे छिपे हुए कुछ सामानों को देखने हुए काफी समय हो गया था, क्योंकि वह समुद्र तट से बहुत प्यार करती थी। उसने फैसला किया कि उसे समुद्र तट पर जाने में खुशी होगी, इसलिए उसने अपना बास्केट लिया और समुद्र तट पर चली गई। केवल समुद्र तट पर रहने के पात्र से उसे खुशी महसूस हुई। उसका मन शांत हो गया। वह जानती है कि उसके बास्केट के चीजों को देखने के लिए यह एकदम सही और सुरक्षित जगह है। तो बहुत ही धीरे धीरे उसने अपने बास्केट को खोला। उसने सबसे पहले अपनी टोकरी में से सबसे अच्छी चीजों के साथ शुरुआत की, जिसने उसे बहुत खुश
और शांतिपूर्ण बना दिया। उसने ध्यान से सारी अच्छी चीजें इकट्ठा की और किनारे रख दी, क्योंकि वह सब कुछ रखने वाली है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने दूसरी जेबों में देखना शुरू किया, और जैसे ही उसने उसमें देखा, सामान को देखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसे याद आया कि इसने उसे कैसा महसूस कराया था। पर उसने अब यह रियलाइज किया कि उसे अब उतनी उदासी या बुरा नहीं लग रहा जैसे पहले लगा था। उसने उन्हें बास्केट से बाहर निकाला और समुद्र में फेंक दिया। वह थोड़ी देर बैठी रही और देखती रही कि सामान तैर रहा है, और उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एक और गहरी सांस लेते हुए और पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए उसने पहली पॉकेट खोली, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। और जैसे ही उसने सामान को देखा, उसने महसूस किया कि वह अब उसके लिए उपयोगी नहीं है। खुशी तो दूर, उसने उसे दुखी करने का भी शक्ति खो दिया है। वह इसे अब निकाल सकती है और समुद्र में फेंक सकती है। सो एक एक करकर वह चीजों को समुद्र में फेंकने लगी। अगर उसे कोई ऐसी चीज मिलती जो उसके लिए उपयोगी हो और उसकी खुशी में इजाफा करती हो, तो वह उसे रेत में रगड़ती और समुद्र के पानी से धो देती ताकि वे नया दिखने लगे, और उसे अपनी अच्छी चीजों के साथ किनारे पर रखने लगी। इस तरह वह हर बास्केट के पॉकेट से गुजरी और सारा बुरा सामान निकाल लिया, वह जानते हुए कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, और उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। सारे पॉकेट्स खाली करने के बाद वह गुप्त पॉकेट्स, सीक्रेट पॉकेट्स में देखने लगी। वह अब इन गुप्त जेबों में देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, जहां उसने ऐसी चीजें रखी थी जिन्हें वे कभी देखना ही नहीं चाहती थी। पर अब वह उत्साहित है, क्योंकि वह जानती है कि अगर कोई चीज उपयोगी नहीं है तो वह इसे फेंक सकती है, और अगर उसे कोई ऐसी चीज मिली
जो उसे काम लग सकती है और खुशी दे सकती है, तो वह उसे रेत में रगड़कर समुद्र के पानी से धोकर अपने अन्य अच्छे सामानों के ढेर में रख सकती है और जेब दर जेब वह सभी कुछ जो उसने इकट्ठा किया है, वह अनचाहा सामान जो अब उपयोगी नहीं है, उसने समुद्र में फेंक दिया और उसे लहरों में तैरते हुए देखने लगी। उसने देखा कि यह सामान छोटा और छोटा होता जा रहा है, आगे और दूर तैर रहा है, जब तक कि वह पूरी तरह से समुद्र के पानी में डूब नहीं जाता। उसे आश्चर्य हुआ कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है जो उसे अच्छा नहीं लगता। उसके पास जो कुछ भी बचा है वह उपयोगी है और उसका एक उद्देश्य है। वह खुश हो गई, आनंदमय हो गई। उसने सारी चीजें, अच्छी चीजें इकट्ठा की और उसे वापस बास्केट में खुले जगह में रख दिया ताकि वह जब चाहे उन्हें देख सके। वह उठी और अपने बास्केट को उठाया और जैसे ही उसने रेत से अपने बास्केट को ऊपर उठाया, ऐसा लगा कि वह हवा में उड़ रही है, क्योंकि वह बहुत हल्की हो गई है। और जब उसने उस बास्केट को अपने हाथों पे रखा तो उसे अपनी बास्केट में रखे अच्छे सामान का भार महसूस भी नहीं हुआ। वह बहुत हल्का हो गया है और ऐसे ही वह आनंदित हो गई। उसे अच्छा लगा, उसका शरीर ताजगी महसूस करने लगा, उसका मन शांत हो गया और उसका दिल हल्का हो गया। और उस रात लंबे समय के बाद पहली बार जब वह सोने गई तब वह इतनी सहज और शांत थी कि वह तुरंत ही सो गई और रात भर गहरी नींद में सोई रही। सुबह उठकर तरोताजा और तनाव मुक्त महसूस किया और वह जानती थी कि उसका बास्केट अब अच्छी चीजों से भरी हुई है, ना कि बुरी चीजें जो वह इतने लंबे समय से इकट्ठा कर रही थी। अब वह हर रात अच्छी तरह सोती है और बहुत अच्छा महसूस करती है। वह फिर से बचपन की तरह मुस्कुराना सीख गई है, बचपन की तरह
मजे करना सीख गई है। अपनी सांस को फॉलो करें और उसे आपको एक गहरी आरामदायक नींद में ले जाने दें, जिससे आप सुबह पूरी तरह से तरोताजा और अच्छा महसूस करेंगे। अब आराम करें। अब सो जाएं। स्लीप। सो जाएं। गहरी नींद, सुखद नींद, शांत ताजगी भरी नींद, गहरी और भी गहरी और भी गहरी नींद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।